Hello, welcome back to Movie Biz. Thank you so much for being with us. आज हम बात करेंगे फिल्म आदि पुरुष के बारे में. जी हाँ, आदि पुरुष. मगर बहुत अफसोस की बात है कि आदि पुरुष ने भी बॉक्स ऑफिस का साथ नहीं दिया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं दिया. ये क्या हो रहा है? इट इज कुछ शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए. मैं बहुत उम्मीदों के साथ गया था कि फिल्म में कुछ बात होगी. 600 करोड़ की फिल्म है, मगर ये फिल्म में स्पिरिट ही नहीं है, जान नहीं है, आत्मा नहीं है रामायण की. इन्वॉल्व नहीं होते. क्यों ऐसी फिल्म बनाते हैं? ये क्यों बनी? क्यों ये फिल्म? क्या पागलपन है ये? पहले तो बनी तो डिले होती रही, रिलीज डिले करते रहे. चलो, मेरे को लगता है तब से ये तैयार था, इसको पता था कि ये पिक्चर गड़बड़ है और इसे मैं जितना रोक सकूं, जितना डिले कर सकूं. इम्प्रोवाइज तो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि बेस ही रूट लेवल ही गड़बड़ है. पता नहीं उन्होंने कौन सी रामायण देखी और ये अपनी नई रामायण की रचना कर डाली. सर, सच बैड डायलॉग ऐसे होता डायलॉग क्या पूरी पिक्चर ही सर. सच बैड. रामायण आपको सीख देती है, आपको कुछ संदेश देती है, कुछ संस्कार देती है. ये फिल्म आपको कुछ नहीं देती. इन्होंने पूरी उल्टी रामायण लिख दी है. पता नहीं कहां से प्रेरणा मिली. एक जैपनीज फिल्म देखी थी राउत साहब ने 92 में, पता नहीं उसमें क्या दिखाया गया था, उससे प्रभावित हुए और ये नई रामायण की रचना कर डाली. पूरी फिल्म के अंदर राम को राम नहीं बोला गया है, सीता को सीता नहीं बोला गया है, हनुमान को हनुमान नहीं बोला गया है, लक्ष्मण को लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं बोला गया है. सोचिए आप, फिल्म का टाइटल ही आदि पुरुष लगता है कि आदिवासी फिल्म तो नहीं है, आदि मानव तो नहीं है. आदि पुरुष टाइटल, व्हाई यू रनिंग अवे फ्रॉम राम, रामायण, सीता, और आप इस तरह का क्यों प्रेजेंटेशन? क्या चाहते हैं ये? आई थिंक न्यू एज रामायण दिखाना चाहते हैं. एग्जैक्टली. फिल्म देख के आपको लगेगा कि आप स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन देख रहे हैं. राम जी हवा में उड़ रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं. अरे यार, ये आपने कहां देखा? मुझे तो एक्चुअली जो गलियों की रामायण होती है वो कहीं ज्यादा बेटर नजर आती है. ये फिल्म 2.5-3 करोड़ की बनती समझ में आता था. जैसे आपने कहा फिल्म बनी 600 करोड़ की, इतने बड़े बजट की पिक्चर, और बोलते हैं 300 से ज्यादा करोड़ का बजट खाली VFX और इसका 400 करोड़ सोचिए ना, होगा तकरीबन उतना खर्चा, पागलों की तरह किया, लेकिन नजर नहीं आता है. बट इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप स्टोरी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आप कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश नहीं हो रहे. हनुमान हनुमान नहीं लगता है, रावण औरंगजेब लग रहा है. क्या बनाया रावण यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है. क्या गेटअप? आपने कोई फिल्म में देखा होगा या किसी सीरियल में या स्टेज पे, राम जी मूछे वाले हैं, सिक्स पैक वाले राम जी हैं, हनुमान जी की मूछे नहीं है, रावण को दाढ़ी है. जैसे आपने कहा अलाउद्दीन खिलजी और हिंदी फिल्म में टिपिकल विलेन ज्यादा नजर आता है. जानबूझ के आपके कैरेक्टर में छवि है राम जी की, लक्ष्मण जी की, उसे खिलवाड़ किया गया. सर, उनको किसी भी तरह से पेश करके दिखा दिया गया. ये मॉडर्न उन्होंने रामायण बना दिया. रामायण से उनको बोलना नहीं चाहते कि रामायण से प्रेरित है. आप कोई भी काल्पनिक कहानी लेके बना सकते. मॉडर्न भी इसलिए नहीं बोल सकते कि मॉडर्न भी कोई चीज बनती है तो उसमें जो इथोस होते हैं, जो स्पिरिट होता है, जो कहानी का बेस होता है, वो तो नेचुरल करेक्ट होता है. वो ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है यार. वी आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड, एंगेज्ड नहीं होते हैं हम लोग. और पूरी तरह से रामायण की स्टोरी ली भी नहीं गई है. टुकड़ों में कुछ हिस्से लिए गए हैं. स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है. जंगल के कुछ भी सीन दिखाए गए हैं. क्लाइमेक्स इतना बेहुदा लिखा गया, आधा घंटे खाली हवा में उड़ रहे हैं. सेकंड हाफ में क्लाइमेक्स, वहां तो एडिटिंग की बहुत जरूरत है. और ड्रैग करती है. राजू साहब, डायलॉग आर हॉरिबल. ऐसे डायलॉग होते हैं क्या? एग्जैक्टली. आप पूरी फिल्म में श्रद्धा से जुड़ नहीं पाते कि आप माइथोलॉजी का फिल्म देख रहे हैं. आपको भगवान जी, राम जी की कहानी देखने को मिल रही है, वो आपको फीलिंग पूरी फिल्म में कहीं नजर नहीं आती. परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बोले तो व्हाट डू यू से अबाउट प्रभास? प्रभास क्या सभी स्टार कास्ट पूरे सपाट फेस, चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन थ्रू आउट द फिल्म. वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ नहीं. रावण इज लाइक अ फिल्मी विलन. इन्होंने जैसे विलन होता है ना टिपिकल फिल्म में जो पॉट बॉयलर बनाते थे हम लोग. रावण फिर भी सेविंग ग्रेस है. सैफ ने थोड़ा पूरा एनर्जी डाल के कोशिश की है परफॉर्म करने की, लेकिन वो रावण रावण नहीं लगते. वो टिपिकल हिंदी फिल्म के विलन ज्यादा लगते हैं. और लक्ष्मण का कुछ रोल नहीं. एक ढंका सीन ही लक्ष्मण का. सीता मैया टोटली मिसकास्ट. मॉडर्न टाइप के ब्लाउज पहन रही है, अपनी क्या क्या अंग प्रदर्शन जैसी कर रही है. आपने कोई देखा है ऐसी सीता मैया को? उसका इतना नहीं है जितना वो विभीषण की बीवी का. वो तो नेक. एग्जैक्टली. बट आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इन दिस फिल्म. ही कुड नॉट कन्वे, ही कुड नॉट एक्सप्रेस द स्पिरिट ऑफ रामायण. बाकी गाना वो
अच्छा है जो शुरू में है राम सिया राम वो पकड़ के चला है, बट देन इट डजंट टेक यू अलोंग इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व नॉट एंगेज्ड। एग्जैक्टली, एक दो भजन से पिक्चर चलती तो लोग भजन से पिक्चर बना और ये गाना गीत गाता है चल में लोग देख चुके हैं पहचान है गीत गाता जल्दी कि जय सिया राम। खैर जहां फिल्म की एडिटिंग की बात करते हैं, एडिटिंग बहुत ही खराब है। फिल्म 3 घंटे की पिक्चर है, आपको टॉर्चर करती है सेकंड हाफ, बहुत जबरदस्त खींचा गया हुआ है, म्यूजिक ठीक ठाक है। और जब हम बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं, फिल्म का मैसिव बजट है 600 करोड़ के ऊपर। फिल्म रिलीज हुई है करीब 6700 स्क्रीन में और बोलते हैं कि तेलुगु में बहुत बड़ी हिट है आज की ओपनिंग, करीब 60 करोड़, क्योंकि पूरी ब्लॉक बुकिंग है कॉर्पोरेट की, वहां पर फैन क्लब बहुत है प्रभास के। न्यू वे ऑफ फीडिंग, हम लोग हमारे दिन में बोलते थे ना जो फीडिंग की है थिएटर, दिस इज अ न्यू वे ऑफ फीडिंग द बॉक्स ऑफिस की कॉर्पोरेट बुकिंग, ये बुकिंग वो बुकिंग, ताकि कलेक्शंस बढ़ जाए। हनुमान जी को भी कोशिश किया है उन्होंने लाके बिठाए एक चीज पे बैठे ताकि कलेक्शंस, बट इट्स नॉट डन, इट्स नॉट डन, दिस इज नॉट द वे। और ये जो ऑर्गेनिक कलेक्शन नहीं है, अभी भी आप थिएटर में बुक माई शो में देखेंगे 90% हॉल खाली पड़े हुए और कोई दूसरा पर्टिकुलर हॉल 100% फुल है। 100% इसीलिए फुल है क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट की ब्लॉक बुकिंग है। इट इज गड़बड़ है मामला। अगर ये फिल्म की जो कॉस्ट प्राइस रिकवर करनी तो एटलीस्ट 1000 करोड़ का धंधा चाहिए। सर ये लोग दिखाने के लिए 400-500 कुछ भी दिखा देंगे आजकल, तो फिर भी कलेक्शन, आजकल कलेक्शन में विश्वास नहीं रहा लोगों का। लोग मानते हैं कि जब हम फिल्म नहीं देख रहे कलेक्शन 100, 200, 400 कहां से आते हैं। आई थिंक कलेक्शन हमारी रिव्यूज ज्यादा रीच आउट करती है इनको, कलेक्शन की इमेज दे देती है, इसकी छवि पहचान लेते हैं लोग की क्या कलेक्शन है। थैंकफुली we are giving honest reviews which reflects the connections. ek to Om Raut ki script mein bahut sari khamiyan hai, aapne dekha hoga, matlab unhone apni khud ki ramayan ki rachna kar dali hai, wo chamdagar pe aa raha hai jabki usko Pavan Khatole mein aana chahiye tha, jo kidnapping scene hai wo chamdagar pe aa raha hai, chamdagar pe dod raha hai, are yaar nahi, uske baad fir end mein wo jo navi pe maarne wali weakness thi Ravan ki, तो उसने बताया ना दिन में ना रात में मनुष्य के हाथ, उसको वरदान मिला ही नहीं था। वो रावण को वरदान ही नहीं था कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। वो पता नहीं कहां से उन्होंने वो हरण, वो हिरणा कश्यप का वरदान था, वो रावण को वरदान नहीं था, उन्होंने अपनी रचना डाली, चलो राम जी इसको वरदान दे देते रावण को, बस दैट्स इट। आदि पुरुष के बारे में बताना था आपको, सच्चाई ये है कि फिल्म के बारे में कोई कुछ भी कहे, कलेक्शंस कितनी भी ज्यादा बताई जाए, आप प्लीज इस बात का ध्यान दें कि ये फिल्म थिएटर में देखने लायक नहीं है। ऐसे एक्चुअली ये ना ऑडियंस ने ना ऑडियंस ने ट्रेलर देखने के बाद ही मन बना लिया था पिक्चर देखने नहीं जाना, क्योंकि जनवरी में जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था लोगों ने बहुत गंदा ट्रोल किया था, बोला बेहद खराब है, तो इसकी रिलीज पोस्टपोन कर दी गई 6 महीने। सेकंड हाफ 6 महीने में भी उन्होंने पता नहीं क्या तीर मारे। फिल्म यू फील लाइक स्लीपिंग एट टाइम, कितनी बार तो नींद आ रही थी, झपके आ रही थी जब लंबे लंबे एक्शन, कोई मीनिंग ही नहीं है, बिना बात के भागे जा रहे हैं वानर से, लेकिन ट्रिम सो मच, बट स्टिल यू कांट सेव अ फिल्म विच डज नॉट हैव अ सोल, सोल नहीं है, आप इमोशंस नहीं है, आप इमोशनली फिल्म कनेक्ट नहीं करते, माइथोलॉजिकल फिल्म आपको कनेक्ट नहीं करती, तो पूरी तरह से फिल्म निराशाजनक है। बाय एंड लार्ज कलेक्शन कितनी होगी टोटल आपके हिसाब से, कितना धंधा करेगी? 85 करोड़ तो ऐसे आज का बता रहे हैं, ये तो 500 करोड़ कर देंगे, बट पता नहीं 700 करोड़ की 600 करोड़ की मेकिंग बहुत ज्यादा है, रिकवरी करना नामुमकिन होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ली है, अगर ओटीटी इंटरनेट सैटेलाइट से क्या मिला होगा इनको, सब पता नहीं, बेवकूफ बना के कुछ भी चिपका देते हैं। सुना है हमने र्यूमर्स है या सुनते हैं कि 250 करोड़ के आसपास तो ओटीटी इंटरनेट सैटेलाइट डीटीएच इन फ्लाइट सब मिला के लेंगे विद ओवरसीज। ऐसे डू यू थिंक अगर 250 यहाँ मिलता तो यहाँ 600 करोड़ का धंधा करती है, अगर 700 करोड़ का करती तो जाके मुद्दल होता है। सर जो ओटीटी 700 करोड़ का धंधा कर ही नहीं, नहीं, और ट्रांसपेरेंसी मेकर्स की जरा भी नहीं है कि एक्चुअली हमको कितना मिला, बस बोलते हैं हमारी फिल्म हिट हो गई, ओटीटी पे चल गई, डिजिटल मिल गया, वगैरह वगैरह वगैरह, सब फेक चल रहा है बॉलीवुड में, एवरीथिंग इज फेक। साल की अगर जो जेन्युइन बॉक्स ऑफिस हिट रही है वो है केरला स्टोरी, जिसमें आई डोंट थिंक कुछ फेक है, बिकॉज वो नजर आया है फिनोमिनल सक्सेस नजर आया है हमको प्योर, बाकी जगहों पे स्कोप है बातें करने का, लोग जो भी कह रहे हैं अभी मिलावट है, मिलावट होगी इन सम इन सब्सटेंस। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सच अ बिग फिल्म ऑफ 600 करोड़ प्लस इज नॉट गोइंग टू क्लिक। देखो जब भी कोई माइथोलॉजिकल बनाते हो आप, ऐसी मॉन्यूमेंटल चीज बनाते हो, तो आपको इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, स्पिरिट से फैक्ट से माइथोलॉजी सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट प्ले विद पीपल्स सेंटीमेंट्स। एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। तो यहां मेरे को लगता है बहुत लोग शायद बोले कि
बंद करो यार, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ऐसा भी हो सकता है बॉयकॉट की भी बातें शुरू हो जाएंगी। हां, बहुत जन बोल रहे हैं, ये पता नहीं, मेरा गेस है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट बाय एंड लार्ज फिल्म इंडस्ट्री का लॉस है, बॉक्स ऑफिस का लॉस है। तो बाय एंड लार्ज ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी भी बताएं 500-600 करोड़, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म और इसका बॉक्स ऑफिस कवर नहीं हो पाएगा कितनी भी कलेक्शंस बता दी जाए। इसका ओटीटी डिजिटल इंटरनेट वो भी एक सस्पेंस है पता नहीं, बट बाय एंड लार्ज द फिल्म इज विदाउट स्पिरिट ऑफ रामायणा, देर इज नथिंग दैट टचेज यू एंड मेक्स यू फील अबाउट द स्पिरिट ऑफ रामायणा। सो आदि पुरुष इज नॉट अ विनर एट द बॉक्स ऑफिस एंड वी होप वी प्रे दैट हिंदी फिल्म का बॉक्स ऑफिस बचा रहे, कुछ ना कुछ बनता रहे, नहीं तो थिएटरों का हाल बुरा है, थिएटर्स को रेस्टोरेंट्स बनना पड़ेगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद सच फिल्म्स। एब्सोल्युटली, सी यू अगेन सून, थैंक यू, बाय।